नमस्कार, आई एम डॉक्टर सुरभि गुप्ता, योर पीडियाट्रिशियन। बहुत लंबे समय बाद, आई नो आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम, मैं आप सबके सामने हूँ, बट डेफिनेटली एक फिक्रमंद सवाल लेकर के, जो कि रिलेटेड है तीसरी लहर कोरोना वायरस के पैंडेमिक की। उसमें बच्चों पर हमारे क्या असर होगा, हमारे प्यारे बच्चे कितने सुरक्षित हैं, इन सब चिंताओं को लेकर के आपके सामने हूँ। बहुत बार आपका क्वेश्चन आया है इस बारे में, तो उसी का आंसर मैं आज आप सबको दूंगी। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और जानते हैं अपने बच्चों के बारे में, इस तीसरी लहर के समय में क्या होगा हमारे प्यारे बच्चों के साथ। सबसे पहले मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आप ज्यादा परेशान ना हो इस कोविड वायरस की थर्ड वेव से, इस तीसरी लहर से ज्यादा परेशान ना हो। हमारे बच्चे, मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है कि जो भी अभी तक की स्थिति रही है, अगर ऐसी ही स्थिति आगे है तो हमारे बच्चे असुरक्षित नहीं है। डेफिनेटली थोड़ा बहुत फर्क असर बच्चों पे पड़ा है, वो पहली वेव में भी पड़ा, वो दूसरी वेव में पड़ा, वो अगर तीसरी वेव आती है तो उसमें भी पड़ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे बच्चों पे बहुत ज्यादा सीरियसनेस होने की या बच्चों पे बहुत ज्यादा खतरा होने की आशंका है। ऐसा मैं 100% नहीं कह सकती, क्योंकि रीजन, ये जो कोविड वायरस है, आपने कभी सोचा कि हमारे बच्चों को क्यों नहीं इन्फेक्ट किया? कोविड वायरस तो हर जगह था, हमारे बच्चे तो हमेशा ही उतने खतरे में थे, क्योंकि बच्चे प्रोटेक्शन भी ज्यादा नहीं लेते, 2 साल से बच्चे छोटे, तो मास्क भी नहीं लगा सकते, बड़े बच्चे भी बहुत रेगुलरली बहुत अच्छे से मास्क नहीं लगाते, हमेशा बड़ों के मतलब आसपास ही रहते हैं, उनके मतलब उनके टच में रहते हैं, तो उन्हें इतना अफेक्ट क्यों नहीं किया? बच्चों को अगर इन्फेक्शन हुआ भी, बहुत सारे बच्चों में पॉजिटिव आया पर कोई सिम्टम्स नहीं, कुछ बच्चों के सिम्टम्स तो माइल्ड, मोस्टली बच्चे आराम से ठीक हो गए, पता भी नहीं चला कि कोविड जैसी खतरनाक बीमारी जो बड़ों को इतना अफेक्ट कर रही है, बच्चों को भी हुई। एक आम वायरल फीवर की तरह आके बच्चों में चला गया और बहुत बच्चों को तो हुआ ही। तो ये रीजन अगर फर्स्ट वेव में था, सेकंड वेव में था, तो आने वाली थर्ड वेव में भी ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि जो कोविड वायरस है वो जिन तरह के एनवायरमेंट में आता है, ये एक वायरस है, इससे आने के लिए कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट चाहिए, कोई व्हीकल चाहिए, ये अपने आप काम नहीं कर सकता। ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसे किसी ना किसी बैकअप की जरूरत है, जिसके ऊपर ये काम करेगा। ओके, तो इसमें से एक है कुछ बॉडी में रिसेप्टर्स, बॉडी में कैसा इम्यून सिस्टम जिसके थ्रू ये वायरस आता है, एंड लकीली थैंकफुली ये हमारे बच्चों में नहीं होता या कम होता है। जैसे कि जो कोरोना वायरस है, कहते हैं ना नाक और मुंह को ढक के रखें, तो नोज में नेजल एस इनहिबिटर्स होते हैं जिनके थ्रू ये वायरस हमारी बॉडी में आता है। तो जो नेजल एस इनहिबिटर्स हैं, ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों में बहुत कम, धीरे धीरे जो बड़े होते हुए बच्चे उनमें भी काफी कम होते हैं, और बहुत न्यूबॉर्न जो है वे तो ना के बराबर होते हैं। तो जिसके थ्रू भाई हम ये वायरस, ये गंदा खतरनाक वायरस हमारे अंदर जाने वाला है, ये हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों में है ही नहीं या ना के बराबर है। तो ये वायरस की जो अमाउंट है वो ज्यादा हमारी बॉडी में, बच्चों की बॉडी में जाती नहीं, तो खतरा भी कम पहुंचाती है। फिर इम्यूनिटी जो होती है दो प्रकार की होती है, एक जो बच्चे जन्म के साथ अपने साथ लेके आते हैं, जो उसे अपनी माँ से मिलती है, उसकी जेनेटिक्स से मिलती है, और जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उससे मिलती है, वो इम्यूनिटी जो जन्मजात इम्यूनिटी कही जाती, इन्नेट इम्यूनिटी कही जाती है, वो बच्चों में बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि जस्ट अभी बच्चा माँ की गर्भ से निकला है, उसने माँ का दूध पिया है, तो उसके पास वो इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग है, बजाय के बड़ों की जिसमें काफी सारे और चेंजेस बॉडी में आ चुके हैं। तो गुड थिंग इज कि जिसके पास इन्नेट इम्यूनिटी अच्छी है उसको ये वायरस कम अफेक्ट करेगा। और डेफिनेटली इम्यूनिटी इज अ बिग वर्ड नाउ, हम सब अवेयर हो चुके हैं कि स्ट्रांग इम्यूनिटी चाहिए, पहले भी चाहिए होती, लेकिन इस पैंडेमिक ने हमें सिखा दिया है कि कोविड वायरस से लड़ने के लिए इम्यूनिटी का काफी ज्यादा रोल है। तो इननेट इम्यूनिटी बच्चों में बहुत स्ट्रांग होती है, वो हमें कोविड वायरस से बचाती है, दिस इज ऑल्सो गुड थिंग कि हमारे बच्चे कम अफेक्ट हो। थर्ड, एक इम्यूनिटी होती है जो हम अडेप्ट करते हैं, बार बार हमें इन्फेक्शन हुआ, हमारे अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई, ये तब पैदा होती है या तब बढ़ती जाती है जब बाहर से इन्फेक्शन आता है, तो उससे फाइट करते हुए ये इम्यूनिटी बनती है। अब ऐसी इम्यूनिटी ऑब्वियसली बच्चों में कम होगी, क्योंकि बच्चों को इन्फेक्शन, जो नंबर ऑफ इन्फेक्शन है वो कम हुए हैं। सो दिस इज ऑल्सो गुड थिंग कि ये इम्यूनिटी कम है तो भी ये फायदा पहुंचाती है। क्यों? सिम्टम्स खतरनाक वाले नहीं आएंगे, आपने वर्ड सुने होंगे साइटोकाइन सर्ज,
सातवें आठवें दिन एक भयानक रूप ले लेता है यह इन्फेक्शन। शुरू में माइल्ड रहता है, तो माइल्ड होते ही बच्चों में खत्म हो जाता है। बच्चों में वो सर्ज, वो पीक नहीं आता, क्योंकि उसके लिए बहुत स्ट्रांग एडेप्टिव इम्यूनिटी यानी फाइट करने वाली इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, जो कि बच्चों में नहीं होती है। तो बहुत सारे ऐसे ही कारण है। विटामिन डी बच्चों में ज्यादा अच्छा है, बच्चे धूप में खेलते रहते हैं 1 to 1.5 ईयर्स तक। हम लोग खुद इसीलिए हर बच्चे को बर्थ से ही विटामिन डी ड्रॉप्स देने के लिए कहते हैं। ये विटामिन डी ये भी बच्चों में ज्यादा है कंपेरेटिव टू ओल्ड एडल्ट्स जो कि काम करते रहते हैं। अब धूप का एक्सपोजर कम हो गया है और विटामिन डी भी वो लोग बाय चांस कम लेते हैं, ह्यूमन रेसेस में कम पाया ही जा रहा है। सो इस वजह से विटामिन डी की कमी और लॉट्स ऑफ अदर रीजंस की कोमॉर्बिडिटीज बच्चों में कम होती हैं, बड़े ही होते हैं जिनमें डायबिटीज की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। सो इस वजह से ये बड़ों में ज्यादा और बच्चों में कम होता है। सो अब सवाल आता है कि हमारे बच्चे क्या सुरक्षित है, अब तक सुरक्षित रहे? ठीक है, मैंने जो कारण बताया इस वजह से फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर में सुरक्षित रहे, क्या इन्हीं कारणों की वजह से थर्ड लेयर में सुरक्षित रहेंगे? तो अगर ये थर्ड लेयर हम जो दावा कर रहे हैं कोविड वायरस के पैंडेमिक की ही है, तो ये वही कोविड वायरस है जो फर्स्ट लहर में था, सेकेंड लहर में था और थर्ड लहर में होगा, तो फिर डेफिनेटली हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि सुरक्षा अपनी जगह है जो कि मतलब इन फैक्टर्स की वजह से है, लेकिन बचाव हमेशा हमारे हाथ में है और डेफिनेटली हमें उसे कायम रखना है। जो हमने फर्स्ट वेव में काफी अच्छे से किया था, सेकेंड वेव में हम थोड़ा यूज टू हो गए, नहीं कर पाए, लेकिन अब सवाल हमारे बच्चों का है। 100% तो देखिए मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ किस तरह का रंग दिखाएगा कोविड, हमें कुछ नहीं पता है, हर चीज रिसर्च चल रही है। 100% इसके बारे में शायद 3-4 साल बाद सब कुछ सामने आए, जब तक ये कोविड अपना काम कर चुका होगा। सो हमें बचाव डेफिनेटली करते रहना है। बड़ों से ही बच्चों को इन्फेक्शन फैलता है, बच्चे अपने आप लेने में सक्षम नहीं है हम डेफिनेटली, क्योंकि उन्हें घर के अंदर ही रख रहे हैं, उनको हम ऐसा एक्सपोजर नहीं दे रहे हैं, स्कूल बच्चे नहीं जा रहे हैं, बाहर खेलने हम बच्चों को नहीं भेज रहे हैं, हम बड़े ही हैं जो बाहर जाते हैं। तो सबसे पहले हम बड़े अगर अपनी सुरक्षा करेंगे तो बच्चे अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे। फिर कुछ हैबिट्स हम डेफिनेटली बच्चों को डाल सकते हैं। हम बड़े बाहर से आए, अपने जूते चप्पल हमने बाहर उतारे, आते ही सबसे पहले हैंड वॉश किए, फेस वॉश किया और जितना भी कुछ बाहर से डर्ट डस्ट इन्फेक्शन लेकर गया उसको वहीं वॉश ऑफ कर दिया बाथरूम में। वही हमने बच्चे को सिखाया, बेटा आपको भी कोई भी आप गलती से अगर बाहर जा रहे हैं, पेरेंट्स के साथ बाहर जा रहे हैं, वापस आते ही हैंड वॉश करना है, अच्छे से बेदिंग का टाइम अच्छे से बेदिंग लेनी है, कपड़े कब यूज करने हैं, कब न्यू पहनने हैं, ये सब हम बच्चों को सिखा सकते हैं। इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए डेली डाइट पर आप ध्यान दीजिए। इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए मैंने बताया कि कोविड में क्या 5-6 फैक्टर्स हैं जो इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं, वो वीडियो आप मेरा देखिए। नॉर्मली इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए क्या डाइट में चीजें होती हैं वो हम ले सकते हैं, इस सब के बारे में डेफिनेटली बहुत लोगों ने नॉलेज ऑलरेडी अपग्रेड कर ली होगी, तो वही सब आपको फॉलो करना है। और भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि कोई नई वेव ना आए, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट होइए। वैक्सीनेशन का असर देखिए अच्छाई से ज्यादा, पता नहीं क्यों बुराई पहले पहुंच जाती है। वैक्सीनेशन मेरी पूरी फैमिली इसका प्रूफ है। मेरी मदर लॉ जिन जो बहुत सीरियस थी, उनको बहुत सारे कोमॉर्बिडिटीज थे, बट फिर भी क्योंकि वो 1 डोज वैक्सीनेटेड थी इसलिए उनको कोई सिम्टम नहीं है, टच वुड घर में ही ठीक हो गई, कोविड पॉजिटिव हुई थी। मेरी बहुत सारी फैमिली मेंबर्स जिन्होंने वैक्सीन का 1-1 डोज लगवाया था वो ठीक हुए। कुछ ट्रेजेडीज जो होती है, देखिए इसका वैक्सीनेशन से कोई लेना देना नहीं है, बहुत रेयर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दोनों वैक्सीनेशन के साथ भी बहुत बड़े महान हस्तियां भी खत्म हुई हैं, डेथ्स हुई हैं, डॉक्टर्स जिन्होंने वैक्सीन लगवाए फिर भी वो उनकी डेथ हो रही है। तो ये जो वायरस है किस तरह से किस पे इफेक्ट करेगा इसका कहना थोड़ा मुश्किल है कि 100% एक जो थ्योरी होती है सब पे अप्लाई नहीं होती है। कहते हैं ना हार्ट अटैक आया कोई बच गया, कोई किसी की डेथ हो गई, हाइपरटेंशन हुआ किसी की ब्रेन में नस फट गई, कोई बच गया कोई डेथ हो गई, है ना। तो ऐसे देखिए हर बीमारी में एक कुछ परसेंट लोग होते हैं जो कोप अप नहीं कर पाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहने से और अगर ये इन्फेक्शन हुआ है तो नहीं घबराने से, अपने आप को पूरी तरह पॉजिटिवली मोटिवेटेड रखने से आप इस बीमारी से बचे रहेंगे और अगर ये इन्फेक्शन होता है तो आप इससे अच्छे से लड़ पाएंगे और ठीक होकर के बाहर आ सकेंगे। और अपने बच्चों के साथ भी हम ऐसा ही करेंगे। जी हाँ, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वैक्सीनेशन है बच्चों का, ये भी आप टाइम टू टाइम करवाइए। कुछ थ्योरीज है जो कहती है कि बीसीजी वैक्सीन यानी कि जो बर्थ के टाइम में टीका लगता है, डेफिनेटली जब बेबी डिलीवर हो रहा है तो वो बीसीजी वैक्सीन और पोलियो ड्रॉप ये दोनों हम बच्चों को दे देते हैं। इससे भी बच्चे जो है ये सुरक्षित होते हैं कोविड वायरस से लड़ने के लिए।
दूसरा MMR वैक्सीन, जो मीजल्स वाली वैक्सीन होती है जो बच्चे को 9 महीने पे और 15 महीने पे और 4.5 साल पे लगती है, वो वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो कहने का मतलब है कि ये वैक्सीन है जिसके बारे में रिसर्च है, एंड वी नेवर नो कि हम जो भी सारी वैक्सीन लगवा रहे हैं ये सारी ही वैक्सीन हमें प्रोटेक्ट करें बच्चों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए। सो और ये भी कहने का ये भी आ रहा है कि फ्लू वैक्सीन के शॉट्स कुछ गवर्नमेंट्स ने भी रिलीज कर दिया कि फ्लू वैक्सीन के शॉट्स भी जो है ये बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं आने वाली कोविड वेव से, इन केस अगर ये वेव आती है तो फ्लू वैक्सीन का शॉट। और जो भी आपके वैक्सीनेशंस ड्यू है प्लीज उनको ट्राई करिए कि आप कवर कर सकें, और जैसे ही आपको मौका मिल रहा है अपने पीडियाट्रिशियन से बात करके सारे वैक्सीनेशन जरूर लगवाइए, बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग रखें। और बस यही प्रार्थना करिए कि अब ये वेव ना आए, कोई वेव ना आए, हम इस पैंडेमिक से बाहर निकल सकें और हम अपनी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट कर सके, रूटीन स्टार्ट कर सके, हमारे बच्चे फिर से स्कूल जाएं, पार्क में खेलें, हम लोग अपने दोस्तों रिश्तेदारों से आराम से खुलकर मिल सके। हम सबको उम्मीद है कि ये दिन जल्दी ही आए। सो जितने दिन के लिए ये प्रिकॉशन हमें लेने की जरूरत है हम लें, अच्छे से लें, मन से करें, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूंगी कि उनका दुख महसूस करें जिनके साथ अभी बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई, ट्रेजेडीज हुई। बहुत दुखी होने का ये समय नहीं है क्योंकि हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है। ऑलरेडी हम सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि जब इस तरह का माहौल में हम सब जब घर में बंद रहते हैं तो मन वैसे ही परेशान है। तो बहुत ज्यादा दुख और पीड़ा ना महसूस करके खुश रहें, पॉजिटिव रहें और अपने आसपास वालों को खुश रखें, और उम्मीद करें कि जल्द ही हम सबके जीवन में फिर से बहार आए। आई नो इट्स अ वेरी वैसे फिक्स्ड लाइन, बट बस इस बाहर की ये सच में जरूरत है कि हम बाहर जाएं और इस बाहर को महसूस कर सकें। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करूंगी, लेकिन अगर आपको जरूरत है कोविड या किसी भी नॉर्मल अपने बच्चे के बारे में, किसी और टॉपिक पे, किसी और प्रॉब्लम के बारे में इमीडिएटली मुझसे बात करनी है या एक दो दिन के अंदर मुझसे बात करनी है, कोई भी ओपिनियन लेना है, प्रिस्क्रिप्शन लेना है, तो आप मुझसे ले सकते हैं टेलीकंसल्टेंसी के थ्रू। इस पर आप ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को, जिसके लिए जाना होगा आपको iqmichild.com पर और मुझसे बुक अपॉइंटमेंट के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को इसी तरह के वीडियोस और अपडेट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें मेरे आई क्यू माई चाइल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाएं जानने के लिए अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में सबसे पहले।